एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होगा एक सेल एट कॉस्ट ऐप हॉल। नाउ इससे पहले मैंने एक सेल एट कॉस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था जहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनके ऐप या वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं कि उनका उनके प्राइजेस कैसे कम है एंड एक्सेट्रा, पेमेंट कब स्टार्ट होगा एंड ऑल दैट। उनके उसके बाद मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि उन्होंने मेरे वॉलेट में कुछ पैसे ऐड किए थे एंड वो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स डिस्पैच करने वाले थे, जो प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किए थे तो वो प्रोडक्ट्स मुझे अभी मिल गए हैं। तो ये मैंने खुद से नहीं ख़रीदा है। हाउएवर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग के बारे में मेरा रिव्यू जो है वो ऑनेस्ट होगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हैं तो मैं कुछ भी उठा के बोल दूंगी कि ये ऐसा है वैसा है। इट इज़ गोइंग टू बी माई ऑनेस्ट रिव्यू, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज आई ओ दैट टू यू ऑल। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। अगर आप प्राइजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप जो प्राइजेस देखते हो उसके अलावा आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा एंड आपको शिपिंग कॉस्ट भी भरना पड़ेगा। तो अगर आप 10 चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो तो आपको एक साथ में एक ही शिपिंग प्राइस लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 अलग अलग पे शिपिंग प्राइस लगेगा। सो दैट इज़ वन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू गिव। हाउएवर जो रेट्स मुझे पता है वो बस ऐप पे दिए हुए रेट्स ही पता है, उसके अलावा मुझे कोई रेट्स पता नहीं है। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मैं आपको पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं दिखा देती हूँ एंड ये मुझे थोड़ा सा लेट मिला तो मुझे प्राइजेस बिल्कुल पता नहीं है। रफली मुझे आइडिया है बट एग्जैक्ट प्राइजेस मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी या फिर मैं लिंक दे दूंगी तो आप लिंक से चेकआउट कर सकते हो। सो ये इस तरीके का, फर्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया है, इट्स अ फ्लावर एंड इसमें लाइक टू ऑप्शंस थे। आपको रैंडम फ्लावर मिलता, ये बड़ा वाला, या फिर आपको वो छोटा वाला फ्लावर मिलता। तो ये पेपर का है एंड सिंस अभी मुझे ये बड़ा वाला मिला है तो फिर मैं बस बालों को इस तरीके के से करके यहाँ पे लगा दूंगी। अभी तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, शायद कोई और वीडियो में, लेकिन हेयर स्टाइल वीडियो में मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ। तो ये इस तरीके का है एंड ये आई थिंक 5 रुपीज़ का था या 10 रुपीज़ का था एंड ये इस तरीके के पैकेजिंग में आया था एंड जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आए थे सभी बबल रैप्ड आए थे। सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। उसके बाद फिर मेरे पास ये है, आई थिंक ये 25 या 27 रुपीज़ का था। ये एक नेक पीस है इस तरीके का, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके का नेक पीस है, द क्वालिटी एंड ऑल इज़ रियली अमेजिंग। आई मीन फॉर 25 या 30 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस पर टैक्स भी ऐड करते हो एंड शिपिंग भी अगर आप ऐड करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये 100 रुपीज़ का हो एंड 100 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट ये मैं आपको अभी वैसे फ़िलहाल तो सिर्फ 25 रुपीज़ का मुझे पता है, तो मैं ऐप के कॉस्ट, ऐप का जो कॉस्ट उस पर ऐप का कॉस्ट दिया हुआ है उसी पर मैं बताऊँगी। तो ये इस तरीके का रेड कलर का है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये भी बबल रैप में आया था एंड ये बिल्कुल लेकिन बेंड नहीं होता, तो इसकी क्वालिटी सीरियसली ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें कलर भी था, इसमें एक टर्कवाइज़ कलर था तो मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैंने ये वाला लिया। तो इट्स रियली रियली प्रिटी। मैंने ये पाउच लिया है, इट्स अ रियली, इट्स नॉट अ पाउच, इट्स अ कंपस बॉक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। मैं बैग में मेरे बैग में एक डायरी कैरी करती हूँ, एक नॉवल कैरी करती हूँ एंड उसके लिए लिखने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए होती है, तो इसमें मेरी चीज़ें ऑलरेडी है तो मैं एक पाउच भी कैरी करती हूँ। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा। इसमें और भी वेराइटीज़ थे एंड ये रैंडम आपको कोई भी मिलता तो मुझे ये वाला मिला, आई एम हैप्पी अबाउट इट। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड ये भी कुछ लाइक 15 या 17 रुपीज़ का था एंड इसका क्वालिटी भी अच्छा है। दिस इज़ टिन, अगर गिरेगा तो यार ऑफ कोर्स टिन जैसे आड़ा टेढ़ा हो जाता है उसी तरीके का होगा। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा एंड बैग में बहुत ही आराम से फिट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। उसके बाद फिर मैंने ये ग्लासेस लिए हैं, दिस वाज आई थिंक फॉर 60-70 रुपीज़ का था एंड इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे। देर वॉज अ ट्रांसपेरेंट, देर वॉज अ ब्लैक, सिल्वर, वाइट, ऐसा कुछ पिंक भी था एंड मैंने ये वाला रेड चूज़ किया। ये इस तरीके का दिखता है, मुझे नहीं पता मुझ पे कैसा लग रहा था, मुझे बस अच्छा लगा तो फिर मैंने ये ले लिया एंड इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके का क्वालिटी आई थिंक फॉरएवर 21 के ग्लासेस में मिलता है तो इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने ये वाला लिया है, दिस इज़ जस्ट टू कीप माई निकनैक्स। मैं जो भी ईयर रिंग्स पहनती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं लाइक अगर मुझे ईयर रिंग्स या फिर ज्वेलरी पहनने का शौक है तो मैं कभी भी उसे निकाल के बस इसी तरीके से बैग में डाल देती हूँ। तो आई वॉन्टेड समथिंग इन विच आई कुड कीप माई ज्वेलरी सेफ, तो मैंने ये मंगवाया है एंड ये आई थिंक 16-17 रुपीज़ का था एंड इसमें और भी जैसे इमोजीज होते हैं वो थे तो इसका क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड।
इस तरीके का है. एंड इसमें आप ज्वेलरी रखना चाहते हो आप ज्वेलरी रख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल, ये एक्चुअली हेडफोन का केस, सॉरी ईयरफोन का केस है, तो आप इसमें ईयरफोन भी रख सकते हो, छोटे छोटे और नेक्स भी रख सकते हो. तो ये मुझे क्यूट लगा था इसलिए मैंने ये खरीद लिया. फिर मैंने ये नोज पिन लिया है, इस तरीके का नोज पिन है ये, इस तरीके का है. एंड इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे, एक सिल्वर था एंड एक ये वाला गोल्डन था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये मुझे ऐसा लगता है मुझ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है. एनी वे, अगर आपका नोज थोड़ा सा थिन है तो आप पे ये अच्छा लगेगा. तो इसका भी क्वालिटी अच्छा ही है. उसके बाद फिर मैंने ईयर रिंग्स लिए हैं दो, कहाँ गए, ये तो थे. उसके बाद फिर मैंने टू ईयर रिंग्स लिए हैं. ईयर रिंग्स का कॉस्ट आई थिंक दिस कॉस्ट फॉर 35 रुपीज़. सो ये इस तरीके की ईयर रिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. इस तरीके का ओपनिंग है इन ईयर रिंग्स का, इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है. आई डोंट थिंक इसमें कलर अवेलेबल था, या फिर आई थिंक इसमें वाइट कलर अवेलेबल था, आई रियली डोंट रिमेंबर. बट जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. इस तरीके का है, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. फॉर 35 रुपीज़ इनका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया. एंड इसे मैं एक बार दो बार पहन चुकी हूँ तो इसका, लेकिन वो कलर वलर गया नहीं. एंड बाय द वे मैं इसे पहन के नहा भी चुकी हूँ तो, लेकिन इस पर पानी भी गिरा है. आई फॉरगॉट टू लाइक यू नो रिमूव दीज. तो इसका क्वालिटी भी अच्छा है, एक बार पानी में तो कुछ हुआ नहीं, इसका कलर वलर गया नहीं. उसके बाद फिर मैंने ये ईयर रिंग्स ऑर्डर किए हैं. ये भी मुझे देखते ही पसंद आ गए थे. ये मैं आपको पहन के दिखा सकती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे. इसका प्राइस था आई थिंक 22 रुपीज़ का था ये. तो ये इस तरीके का है, फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का है. एंड पहनने पे ये इस तरीके का लगता है. इट लुक्स सुपर प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा. तो सेकेंड लास्ट है ये चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है. दिस इज़ अ नेक पीस. ये नेक पीस है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है. देयर इज़ दिस टीयर ड्रॉप पीस ओवर हियर. एंड उसके साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मून, हाफ मून मिलता है यहाँ पे. एंड इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे, देयर वाज अ सिल्वर इन दिस एंड देन देयर वाज दिस गोल्डन. नाउ इस टॉप के साथ तो यार अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर लाइक यू नो डीप नेक वाला कोई भी टॉप हो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा. तो ये इस तरीके का लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मुझे काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिख दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो. लास्ट है द शो स्टॉपर, द बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे अब तक लगे ना इन सब चीज़ों में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड इसका प्राइस एक्चुअली मुझे सही में याद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. नाउ आई रियली डोंट रिमेंबर इसमें कलर्स अवेलेबल थे या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर चूज़ करके एंड लाइक नो क्या प्रोडक्ट्स एंड ऑल चूज़ करके. सो आई रियली डोंट रिमेंबर. हाउएवर प्राइस अगेन यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आप लिंक से चेकआउट कर सकते हो. तो ये इस तरीके का है, इसमें कंपार्टमेंट्स यहाँ पे एक जिप यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक जिप दिया हुआ है एंड साइड में यहाँ पे एक पॉकेट है एंड फिर यहाँ पे एक पॉकेट है. एंड उसके बाद फिर यहाँ पे इसके साथ ये वाला चेन दिया हुआ है, या आप लाइक यू नो क्रॉस बॉडी बैग भी इसे बना सकते हो. उसके बाद फिर यहाँ पे दो हैंडल्स हैं, यहाँ पे एक जिप आपको मिलता है बैक के सेक्शन में, फ्रंट के सेक्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं. साइड में यहाँ पे दो बकल्स लगे हुए हैं, इस तरफ भी बकल्स लगे हुए हैं. नाउ दिस बैग लुक्स अ लिटिल डिसफिगर्ड क्योंकि इसमें सामान भरा नहीं है, तो अगर इसमें सामान भरा होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा. एंड क्वालिटी आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है. चेन की भी इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल भी चीप नहीं है, बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है ये. तो ये इस तरीके का चेन है, बहुत ही ज़्यादा आराम से बंद हो गया. एंड दैट कम्प्लीट्स दिस हॉल. 26 फेब को 2019 को इनका जो पे पैनल है ये ओपन हो जाएगा, तो तब आप चीज़ें खरीद सकते हो. अभी फ़िलहाल के लिए तो इनके जो ऐप पे प्राइजेस दिए हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम
है, बट जैसे कि मैंने बोला इस पे टैक्सेस भी थोड़े बहुत लगेंगे, टैक्सेस तो आपको पे करने ही हैं एंड थोड़ा बहुत शिपिंग चार्ज भी आपको लगेगा। तो डेफिनेटली आप 26 को चेकआउट कर सकते हो कि आपको लेकिन कार्ट में ऐड करके चेक कर सकते हो कि क्या प्राइसेस है क्या नहीं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। इफ़ यस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।